राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वधान में बुधवार को दर्जनों राज्य कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित 18 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन सौंपा गया। राज्य कर्मचारियों ने सरकार से अविलंब अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन देने वालों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री डीके सिंह, संप्रेषक सरीफुज्जामा, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संघ के जिलाध्यक्ष उमेश पांडे, प्रयोगशाला प्राविधिक संघ के प्रांतीय महामंत्री बीवी सिंह, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विद्याधर पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामराज और जिलाध्यक्ष ब्रिज मोहन धर द्विवेदी सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, दुर्ग विजय जिलाध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले इप्सेस के आह्वान पर आज पूरे भारत में सभी राज्यों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अवलिक ज्ञापन का कार्यक्रम चला। उसी के क्रम में राज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश माननीय अतुल मिश्रा और सुरेश रावत के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है, जो आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन हम लोग दिए। हमारी 18 सूत्री मांग, इसमें प्रथम मांग हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की है। उसके बाद सभी विभागों का जो निजीकरण कुछ अभी विभागों का गवर्नमेंट के द्वारा शासनादेश आए थे, जिसे अभी विद्युत कर्मचारी आंदोलित थे और उसको वापस ले लेंगे। इसी तरह से हमारी तमाम 18 सूत्री मांगे हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम सभी कर्मचारियों की जो समस्या हैं आपके नेतृत्व में, आपकी सरकार के नेतृत्व में बहुत विकट से विकट मुद्दे को समाधान कर दिया गया है। कर्मचारियों की ऐसी कोई बहुत विकट समस्या नहीं है जो आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा इसका समाधान नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर इस पर ध्यान दे दिया गया तो निश्चित रूप से हम सभी कर्मचारियों का जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी।